हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, कल भारत की तीनों आर्म फोर्सेस के चीफ के थ्रू अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत हर साल इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर 50,000 ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली जाएंगी और इस साल टोटल 46,000 वैकेंसीज तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना के तहत भरी जाएंगी। ये कल ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं कि अग्निपथ योजना है क्या, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बेनिफिट क्या है, आपको पर मंथ सैलरी इसमें क्या क्या मिलने वाली है, किन किन को अप्लाई करना चाहिए, एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन कौन सी इसमें पोस्ट रहने वाली, एकदम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि 20 जून मतलब इसी मंडे शाम 5 बजे स्पेशल एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए जनरल अवेयरनेस का सुपर फास्ट मैराथन आ रहा है। इस बार 20 आउट ऑफ 25 मार्क्स पक्के हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर, तो ये मैराथन बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस योजना का नाम है अग्निपथ, ठीक है। इसके तहत जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उनको बोला जाएगा अग्निवीर, क्लियर है। इस योजना की अनाउंसमेंट कल ही मतलब 14 जून 2022 को की गई है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, क्लियर है। ये एक हमारी शॉर्ट टर्म सर्विस है, यानी कि 4 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के अंदर, और 4 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी। रिटायर्ड होने पर भी आपको इसमें काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं, उनके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप शॉर्ट टर्म सर्विस से परमानेंट भी हो सकते हो मिलिट्री फोर्सेस के अंदर। यहां पर देखिए, फॉर परमानेंट सर्विस 25% फ्रॉम अ बैच, यानी कि जितने भी अग्निवीर सिलेक्ट किए जाएंगे एक बैच से 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, या फिर जिस मिलिट्री फोर्स के अंदर आपको एज अ अग्निवीर अपॉइंट किया गया उनके अंदर अपॉर्चुनिटी निकलेगी, चांस निकलेंगे, जिसके तहत आप इंडियन मिलिट्री फोर्सेस के अंदर परमानेंट भी सर्विस करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये भी इसके एक बेनिफिट है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग पीरियड। देखिए फ्रेंड्स, 4 साल की आपकी सर्विस रहने वाली है, जिसमें से शुरू के 6 महीने आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, उसके बाद 3.5 साल आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होगी मिलिट्री फोर्सेस के अंदर। इसमें हमारी तीनों आर्म फोर्सेस है, यानी कि इंडियन आर्मी भी, इंडियन एयरफोर्स भी, इंडियन नेवी भी है। और अग्निपथ योजना के तहत हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50,000 निकला करेंगे, जो कि 2 फेज में निकलेंगे, ठीक है। यानी कि 1 साल में तीनों फोर्सेस के अंदर 2 बार वैकेंसीज निकाली जाएंगी, ठीक है। तो 50,000 वैकेंसी हर साल 2 फेजेस में पूरी की जाएंगी, समझ गए। साथ ही 2022 के लिए मतलब इस साल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 46,000 अनाउंस की गई है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए। यानी कि अगर 1 साल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50,000 निकल रही है, तो वो 50,000 वैकेंसी तीनों फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिवाइड रहेंगी, यानी कि कुछ वैकेंसीज इंडियन आर्मी के लिए रहेंगी, कुछ वैकेंसीज एयरफोर्स के लिए रहेंगी, कुछ वैकेंसीज इंडियन नेवी के लिए रहने वाली है, ठीक है। सभी ग्रुप सी की पोस्ट हमारी इसमें रहने वाली है, आगे बताऊंगा। यहां पर जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो 17.5 से 21 साल रखी गई है, यानी कि जिन लोगों की एज लिमिट 17.5 से 21 साल होगी वो एलिजिबल होंगे, वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्वालिफिकेशन 10th पास और 12th पास इसमें रहने वाली है, वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर जनरल ड्यूटी कॉन्स्टेबल की पोस्ट है तो वहां पर 10th पास मांगा जाएगा, या फिर अगर उससे थोड़े से हायर लेवल की पोस्ट है, नायब वगैरह की पोस्ट है, तो उसके लिए 12th पास मांगा जाएगा। और ये जो अग्निपथ योजना है, अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीरों को सिलेक्ट किया जाएगा वो केवल नॉन कमीशन रैंक के लिए किया जाएगा, मतलब जो ऑफिसर लेवल के पोस्ट से नीचे की जो पोस्ट है उनको अग्निपथ योजना के तहत अपॉइंट किया जाएगा, क्लियर हुआ डाउट। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़े पैकेज और सैलरी के बारे में। मान के चलिए आप अग्निपथ योजना के तहत सेलेक्ट कर लिए गए हो, तो आपको इसमें पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी 4 साल तक। देखिए फ्रेंड्स, पहले साल सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो इनिशियल एवरेज सैलरी रहेगी वो 30,000 पर मंथ रहने वाली है, ये आपकी ग्रोथ सैलरी है। आपकी जो इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी वो 21,000 पर मंथ रहने वाली है, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ सैलरी है उसमें से 30% आपके रिटायरमेंट फंड में चली जाएगी। तो देखिए, आपकी पहले साल पर मंथ सैलरी 30,000 है ग्रोथ सैलरी, तो उसमें से 30% रिटायरमेंट फंड में चला गया, तो 9,000 हर महीने
पहले साल आपके रिटायरमेंट फंड में जमा होते रहेंगे। क्लियर है? ऐसा हम इसको कह सकते हैं, अग्निवीर रिटायरमेंट फंड। अगले साल आपको अपनी सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपकी ग्रोस सैलरी 33,000 हो जाएगी, ठीक है, और 30% फिर से रिटायरमेंट फंड में जाना शुरू हो जाएगा, जहां पर इनहैंड सैलरी आपको 23,100 मिलने वाली है और 9,900 आपके रिटायरमेंट फंड में जाना शुरू हो जाएगा। तीसरे साल आपको और सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर आपकी ग्रोस सैलरी 36,500 हो जाएगी, जहां पर इनहैंड सैलरी 25,580 तीसरे साल आपको हर महीने मिलती रहेगी, रिटायरमेंट फंड में 1,950 आपका जाना शुरू हो जाएगा। वहीं पर फाइनल ईयर में जब आप पहुंच जाओगे, आपकी ग्रोस सैलरी 40,000 हो जाएगी, वहीं पर इनहैंड सैलरी 28,000 आपको मिलने लग जाएगी और आपके रिटायरमेंट फंड में 30% यानी कि 12,000 जमा होने लग जाएगा। तो चार साल में आपका जो रिटायरमेंट फंड हो जाता है वो 5,00,000 के करीब हो जाता है। क्लियर है? चार साल के बाद जब आप रिटायर्ड होगे तो वहां पर आपको एक सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा, जो कि 11,71,000 का है, क्योंकि जो ये चार साल में आपका रिटायरमेंट फंड एक तरीके से इकट्ठा हो रहा है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगा के दिया जाएगा, जिसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए। और भी काफी सारी चीजें रिटायरमेंट के बाद आपको दी जाएंगी, बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने आपको आपकी सैलरी स्ट्रक्चर बताई है, ठीक है। ये देखिए, एग्जिट आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद आपको 11,71,000 एज अ सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें है। और भी काफी सारी चीजें, आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, साथ ही बैंक लोन की फैसिलिटी दी जाती है, और एक आपको स्किल गेन्ड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसका आपको खतरनाक बेनिफिट होता है। और साथ ही फ्रेंड, जब 4 साल बाद रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो सभी अग्निवीरों को रिटायर नहीं किया जाएगा, उनमें से 25% अग्निवीरों को परमानेंट भी कर दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और साथ ही मिलिट्री के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी, जो कि आपको चांसेस देंगे कि आप परमानेंट सर्विस करने लग जाओ मिलिट्री के अंदर। यानी कि अगर किसी बैच में टोटल 20,000 अग्निवीर हैं तो उनमें से 25% मतलब लगभग 5,000 के आसपास परमानेंट सर्विस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट्स के, यानी कि अगर आप अग्निपथ योजना के तहत सिलेक्ट हो जाते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट, गुड मंथली पैकेज, यानी कि आपको मंथली सैलरी मिल रही है अच्छी खासी, ठीक है, 4 साल तक। साथ ही सेवानिधि पैकेज, यानी कि आपको 4 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद एक सेवानिधि पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको 11,71,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको एक स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि ये दिखाएगा कि हाँ 4 साल तक आपने इंडियन एयरफोर्स या फिर नेवी या फिर मिलिट्री के साथ सर्विस की है, आप वेल ट्रेंड हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, यानी कि जो आपकी परफॉर्मेंस रही है वो सभी इस स्किल गेन सर्टिफिकेट में होगा। और फ्रेंड, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, जब वो अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करती हैं तो उनका कहना भी ये है, उन्होंने भी ये माना है कि हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो इन अग्निवीरों के लिए रहेगी, क्योंकि हर एक कॉरपोरेट, हर एक कंपनी चाहती है कि उनके पास वेल ट्रेंड, वेल डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो ये अग्निवीर जो होंगे ना, ये वेल स्किल्ड, वेल डिसिप्लिन्ड, वेल ट्रेंड होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए। तो ये जो स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट है ना, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसके बेसिस पर आप रिटायरमेंट के बाद अपना कोई व्यापार, अपना कोई व्यवसाय भी खोल सकते हो, जिसके थ्रू आपको बैंक अच्छी खासी लोन भी प्रोवाइड करेगा, साथ ही जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके थ्रू भी आपको काफी अच्छे खासे फंड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 48,00,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर, यानी कि आपको 48,00,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी फॉर परमानेंट सर्विस, यानी कि मिलिट्री के अंदर परमानेंट होने का भी आपको इसमें चांस मिलता है 4 साल के अंदर। साथ ही मिलिट्री स्किल्स आप सीख जाओगे इन 4 साल में, साथ ही एक्सपीरियंस आपके पास होगा, साथ ही आप वेल डिसिप्लिन्ड होंगे, साथ ही फिजिकल फिटनेस आपकी बहुत ही अच्छी होगी, लीडरशिप क्वालिटी आप सीख के आओगे, करेज, साथ ही पॉजिटिव माइंडसेट आपका हो जाएगा, जो कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हैं, ऑन बीइंग मार्टिड, मतलब अगर कोई शहीद हो जाता है अग्निवीर तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे विद इंटरेस्ट, और साथ ही उसकी सर्विस जो बची हुई थी उसकी प्रॉपर सैलरी भी दी जाएगी। ऑन बीइंग डिसेबल्ड, यानी कि अगर सर्विस के दौरान कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसको 50,00,000 दिए जाएंगे और जितनी उसकी सर्विस बची थी उसकी पूरी सैलरी उसको प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है?
बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में नोटिस में कोई खास डिटेल तो नहीं दी गई है, लेकिन यह कहा हुआ है कि जो सिलेक्शन होगा ना अग्निवीरों का, वो मेरिट बेस्ड होने वाला है। क्लियर है? जिसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। टोटल वैकेंसी निकलेगी कि एयरफोर्स के अंदर इतनी वैकेंसी है, आर्मी के अंदर इतनी वैकेंसीज है, नेवी के अंदर इतनी वैकेंसीज है। तो आप जिस मिलिट्री के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही रैली कंडक्ट की जाएंगी, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी हो सकता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी हो सकता है। इसके बारे में अभी कोई खास डिटेल नहीं है, क्योंकि मेरिट बेस्ड है, ऑब्वियसली यहां पर आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। साथ ही कैंपस इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है। साथ ही मेडिकल टेस्ट भी आपका इसमें होगा, तब आपको सिलेक्ट किया जाएगा मिलिट्री के लिए एज अ अग्निवीर। अब गवर्नमेंट बेनिफिट्स देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्यों अग्नि पथ योजना शुरू किया है, गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, पहला जो सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा था वो कंटिन्यू क्यों नहीं किया, ये नया क्यों ऐड कर दिया। देखिए गवर्नमेंट के बेनिफिट्स देखिए, ठीक है, जनरल नॉलेज की बात है। द कॉस्ट ऑफ पेंशन विल बी सेव्ड, यानी कि जो पेंशन में खर्चा होता था किसी सोल्जर की, तो गवर्नमेंट का वो पेंशन का खर्चा बच जाएगा। क्योंकि अगर मिलिट्री के अंदर कोई सिलेक्ट हुआ है तो 15 साल तक मिलिट्री के अंदर उसने सर्विस की, और जब तक वो जिंदा है उसको प्रॉपर पेंशन दी जाती थी। अब यहां तो 4 साल के लिए ही सिलेक्ट किया जा रहा है अग्निवीर को, 4 साल के बाद आपको सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, हर महीने आपको सैलरी दी जाएगी, उसके बाद इसमें कोई भी पेंशन नहीं है, जहां पर सरकार का बहुत बड़ा खर्च बच जाएगा जो कि आजकल पेंशन पे होता है। साथ ही द एवरेज एज ऑफ द मिलिट्री विल ड्रॉप, जो मिलिट्री की एवरेज एज है वो कम हो जाएगी। ये कहा जाता है कि इंडियन आर्मी की जो आज एवरेज एज है वो 32 है, ठीक है, और इसके बाद जो एवरेज एज हो जाएगी वो 26 के आसपास हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री है वो बूढ़ी हो रही है, तो उसको जवान करने के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है। क्योंकि 17.5 से 21 साल तक के लोग भर्ती होंगे, 4 साल तक वो सर्विस करेंगे, 21 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 22, 23, 24, 25 हो गया, तो 25, 26 के आसपास एवरेज एज हो जाएगी, तो काफी जवान हो जाएगी आर्मी या फिर हमारी जो मिलिट्री फोर्सेज है। एक और पॉइंट है वैन, जो कि गवर्नमेंट ने पॉइंट आउट किया है, जो कि गवर्नमेंट को फायदा लगता है जिस पॉइंट का, वैन वेल ट्रेन्ड पीपल वर्क विद इन सिविल देन कंट्री डेवलपमेंट विल इंप्रूव। यानी कि गवर्नमेंट का यह कहना है कि जब वेल ट्रेन्ड, वेल एक्सपीरियंस, वेल फिटनेस, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी का या फिर अच्छा डिसिप्लिन अग्निवीर सोसाइटी के अंदर सिविल में काम करेगा, लोगों के बीच में रह के काम करेगा, तो ज्यादा इफिशियंसी निकल के आएगी और जो हमारे देश का विकास है वो भी ज्यादा बेहतर होगा और लोगों को ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मानना है गवर्नमेंट का, इसलिए अग्निवीरों को तैयार किया जाएगा। तो भाई ये है इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अभी कोई खास डिटेल नहीं है। बात करें कि अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो सकते हैं, वैकेंसी तो अनाउंस हो गई कि 46,000 इस बार वैकेंसी निकाली जाएंगी, 2022 में ही उनको पूरा किया जाएगा, और 3 महीने के अंदर यह कहा गया कि 90 दिन के अंदर पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, 90 दिन के अंदर एक अग्निवीर सिलेक्ट हो जाएगा ये कहा जाता है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलेगा। तो मेरे हिसाब से इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो अक्टूबर मंथ में हो सकता है या फिर सेप्टेम्बर मंथ में हो सकता है। ठीक है, अक्टूबर तो दूर हो गया, सेप्टेम्बर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक फाइनल हो जाएगी भर्ती, तो सितंबर मंथ तक मेरे हिसाब से इसके फॉर्म आ जाएंगे और ये शुरू हो जाएगी और 40,000 वैकेंसी कंप्लीट कर ली जाएगी। फिर हर साल 50,000 वैकेंसी निकली जाएंगी, 2 फेज में वैकेंसी निकलेगी, मतलब कि एक साल में तीनों आर्म फोर्सेज में 2 बार वैकेंसी निकला करेंगी। तो ये है भाई पूरा अग्निपथ योजना का फंडा, आई होप आप समझ चुके होंगे, सैलरी वगैरह सब कुछ आपने देख लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या 6 महीने की ट्रेनिंग इनफ होगी किसी सोल्जर के लिए जो कि बॉर्डर पे खड़ा होगा। सभी चीजें आपको कमेंट करके जरूर बतानी है कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या आपको इसमें गलत लगा, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बाकी वीडियो सक्सेस की नंबर 1 करंट अफेयर अवेलेबल हो चुकी है हिंदी वर्जन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरे साल का करंट अफेयर कवर्ड है, फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।